Hi students, I am Dr. Prabhat and today we are going to discuss organic evolution. In last two lectures we have seen what is chemical evolution, that is chemogeny, what is biological evolution, that is biogeny. Yes, here also we have written chemical evolution, biological evolution. ऑलरेडी वी हैव सीन केमिकल इवोल्यूशन के बारे में आपने मुझे बताया था दैट इट इज फ्रॉम ए स्मॉल मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल का बनना, दिस इज केमिकल इवोल्यूशन. और इस मैक्रो मॉलिक्यूल से प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तक यहाँ तक बनना इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और बायोजेनी. और अब यहाँ से हम जो भी अभी रिसेंट टाइम में देख रहे हैं यहाँ तक का डेवलपमेंट होना, दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. सो ऑलरेडी वी हैव सीन द मेथड ऑफ केमोजेनी, वी हैव सीन द बायोजेनी, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. सो व्हेन वी सी द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वी हैव मैनी थ्योरीज इन विच थ्री थ्योरीज वी आर गोइंग टू स्टडी, लेमार्किज्म, Darwinism and mutational theory. And then there will be a fourth theory, and that will be the modern theory. वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे. Let's start with Lamarckism. So Lamarck, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, Philosophy Zoologica. So this book was written by Lamarck. Four basic concept was there ऑफ लेमार्किज्म. क्या है वो फोर बेसिक कंसेप्ट? सबसे पहले इंटरनल वाइटल फोर्स. नाउ व्हाट इज दिस इंटरनल वाइटल फोर्स? इट सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव अ इनर फोर्स ड्यू टू विच इट ट्राइज टू इंक्रीज इट्स साइज जनरेशन बाय जनरेशन. मतलब सपोज यदि आप फिश की बात करें तो फिश बड़ा होकर हर जनरेशन बाई जनरेशन बड़ा होता जा रहा है. और यदि फिश से एम्फीबिया डिराइव हुआ है तो एम्फीबिया शुड बी इन साइज, इट शुड बी लार्जर देन फिश. सिमिलरली इफ रेप्टाइल हैज बीन डिराइव फ्रॉम द एम्फीबियन, द रेप्टाइल शुड बी लार्जर देन द एम्फीबियन. ऐसा. सो इंटरनल वाइटल फोर्स इज कॉजिंग टू, और इससे क्या हो रहा है, इट कॉजेज इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन. So this was the first thing, that is internal vital force. Next we are coming to use and disuse theory. Now what this theory is? ये बोल रहे हैं, यदि यदि आप किसी organ को use करेंगे तो वो develop होता जाएगा, वो और मजबूत होगा. और यदि आप use नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे vestigial हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा. So use and disuse theory आसान है. Use करेंगे तो organ मजबूत होगा, नहीं use करेंगे तो organ कमज़ोर होगा. Then doctrine of appetency. What is appetency mean? Appetency means desire, है ना. मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. थिंग्स आर सो कंडेंसियड, सो आई एम राइटिंग विथ सपोज ब्लैक कलर. सो appetency means desire. सो ये बोल रहे हैं कि इफ ह्यूमन डिजायर for something, he or she will get it. ठीक है, यदि ह्यूमन किसी चीज़ को चाहता है, डिजायर कर रहा है, तो उसको वो मिलेगा. देन लास्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. तो आसान है समझने में. ये क्या बोल रहा है कि आपने जो भी कैरेक्टर एक्वायर किया है दैट विल बी पास टू नेक्स्ट जनरेशन. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. सो डार्विन साहब, लेमार्क साहब ने ये चार बातें बोली, दैट इज इंटरनल वाइटल फोर्स, जनरेशन बाई जनरेशन साइज बढ़ते जाएगा बॉडी का, देन सेकेंड इज यूज एंड डिसयूज, जिस ऑर्गन को आप यूज करेंगे वो मजबूत होगा, जिसको यूज नहीं करेंगे वो कमज़ोर हो जाएगा. देन डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी, इंसान जो चाहता है लॉन्ग टर्म में उसे मिल जाएगा. एंड देन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हमने जो भी एक्वायर्ड किया है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा. आइए, ये चीज़ हमने पढ़ी दैट लेमार्क
फ्रांस से थे ये, और ये बुक का नाम आपने मुझे बताया था, फिलोसफी जियोलॉजी का, इंटरनल वाइटल फोर्स, देन डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी, देन यूज एंड डिसयूज एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्ट। ये चार बातें हमने की। अब एग्जाम्पल भी दिया हमारे लेमार्क साहब ने, हालांकि नाउ विल सी दैट द लेमार्किज्म हैज़ बीन रिजेक्टेड, सो दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट सो ट्रू नाउ, बट पढ़ने के लिए फॉर द एकेडमिक पर्पज़ वी कैन सी इन्होंने क्या बोला लेमार्क साहब ने, कि जिराफ जो है ऊंचाई का घास खाने के लिए अपना गर्दन इलोंगेट कर रहा, स्ट्रेच कर रहा, और वो स्ट्रेच गर्दन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को जा रहा है, इस तरह उसके से उसका गर्दन बढ़ते जा रहा है। तो देखो, इट अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन द टॉलर ट्री हैड टू अडॉप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ नेक एंड देन इट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इस तरीके से उसके गर्दन की साइज बढ़ते जा रही है। एक्वेटिक बर्ड्स स्ट्रेच देयर टोज एंड डेवलप वेब, ये बोल रहे हैं कि ये कोशिश करके उन्होंने ऐसा कर लिया। देन स्नेक्स लॉस्ट देयर लेग बिकॉज दे वर नॉट यूजिंग इट, ठीक है। सो ये था, लेकिन इनका क्रिटिसिज्म किसने किया, विस्मैन साहब ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक रैट लिया और इसके टेल को 22 जनरेशन तक काटते रहे, स्टिल जो रैट आया उसमें टेल था। तो उन्होंने बोला, आप बोल रहे हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ठीक है, जो एक्वायर्ड करेक्टर वो पास होना चाहिए, तो फिर टेल क्यों इवन आफ्टर 22 जनरेशन, है ना। वैसे हर पॉइंट का देखो, देखो पहले पॉइंट का आपने मेरे को बोला था, इनका पहला पॉइंट थ्योरी ऑफ दिस इंटरनल वाइटल फोर्स, इसका देखो क्रिटिसिज्म क्या है। यदि हम ग्रास की बात करें, वी ऑल नो व्हाट इज ग्रास, ग्रास इज डाइकॉट, और यदि हम साइकस या पाइनस की बात करें, साइकस या पाइनस या कोई जिम्नोस्पर्म की बात करें, है ना, जिम्नोस्पर्म में बात करते हैं, देखो इनकी साइज देखो, कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिम्नोस्पर्म, और ग्रास डाइकॉट विच इज एंजियोस्पर्म, देखो ये क्या है, इट्स एंजियोस्पर्म, रिलेटिवली इसका साइज तो बड़ा होना चाहिए बट छोटा होगा, तो उल्टा हो गई ना चीज़ें। जिम्नोस्पर्म के बाद जो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनका साइज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म शुड बी लार्जर एज पर द लेमार्किज्म, बट ये ट्रू नहीं है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। सेकेंड देखो, आपने मुझे बताया था यूज एंड डिसयूज थ्योरी, इसमें देखो यूज एंड डिसयूज थ्योरी, यदि यूज करने से आंखें मजबूत होती तो स्पेक्स लगाता क्या कोई, हम स्पेक्स लगा रहे हैं का क्या मतलब है, आंखें कमज़ोर हो रही है, क्यों कमज़ोर हो रही है, क्योंकि हमने उसे ज़्यादा यूज किया, तो यूज करने से आंखें कमज़ोर हो गई ना कि मजबूत हो गई, सो यूज थ्योरी हैज़ बीन रिजेक्टेड, नाउ वी हैव डिसयूज थ्योरी, ठीक है। डिसयूज थ्योरी मतलब कि आप यदि यूज नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाना चाहिए, तो यूज में आप लिख लो कि एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्स। डिसयूज में देखो, डिसयूज थ्योरी का यदि हम एग्जाम्पल दें जो कि इसका अपोजिट है, इट टस्क ऑफ एलिफेंट, ठीक है। आप यदि टस्क ऑफ एलिफेंट देखें तो इट्स नॉट इन यूज सो मच यूज बाई एलिफेंट, कुछ ज़्यादा यूज नहीं करते, कभी कभी डिफेंस के लिए यूज करते हैं, स्टिल इट इज़ सो डेवलप सो मच लाइक प्रोमिनेंट, सो यूज एंड डिसयूज थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड। नेक्स्ट क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी। अब देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी में आपने मुझे बताया था कि जो इंसान चाहेगा उसको वो मिल जाएगा। अब देखो, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि थर्ड इज डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी, यदि ये सही होता तो नाउ विंग शुड बी प्रेजेंट इन ह्यूमन, बट ऐसा है क्या, नहीं, इट्स नॉट ट्रू, मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी इज नॉट ट्रू। एंड फोर्थ था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करें तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया विस्मैन की एक्सपेरिमेंट का, कि आपने रैट का टेल काट लिया, हालांकि इसमें और भी कई एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। इन हिंदुइज्म इंडिया में आप देखते होंगे, हर छोटी बच्ची जब थोड़ी बड़ी होती है, मतलब 5-7 साल की, तो उसके कान को कान में बोर करते हैं ना, पियर्स करके छोटा सा छेद करते हैं। स्टिल जो नई बच्ची आती है हमारे घरों में, हमारे समाज में, उसके पिन्ना में होल नहीं होता, है ना। सो इफ़ दिस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर वुड हैव बीन इवन 1% ट्रूथ होता है इसमें, तो कुछ फीमेल बच्ची में जरूर होल होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको और डिटेल में। सो ये विस्मैन थ्योरी 22 जनरेशन तक किया था इन्होंने।
ठीक है। देन बोरिंग ऑफ ईयर पीना की बात की, चाइनीज वुमेन जो है वो अपने पाँव को छोटा करने के लिए आयरन शूज पहनते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे के वैसे है। वॉट इज़ न्यू लेमार्किज्म? एज पर द न्यू लेमार्किज्म इन्होंने क्या बोला कि भैया देखो ऐसा है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना, इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीथिंग। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज ट्रू ओनली इफ द कैरेक्टर ओनली इफ द कैरेक्टर हैज बिन इनकॉर्पोरेटेड इनटू जर्म प्लाज। यदि जेनेटिक मटेरियल तक चला गया, जीन में चला गया, तब तो ये सही है, नहीं तो ये नहीं होगा ऐसा, ठीक है। सो दिस वाज न्यू लेमार्किज्म, दिस वाज न्यू लेमार्किज्म। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू डार्विनिज्म, विल बी मूविंग ऑन टू डार्विनिज्म। वी हैव सीन द लेमार्किज्म। सो डार्विन साहब वो HMS बीगल पे वॉयज पे गए या घूमने गए। वॉट इज दिस HMS बीगल? हर मैजेस्टी सिप। सो द सिप वॉज स्पॉन्सर्ड बाई द क्वीन ऑफ द ब्रिटेन, सो इसका नाम ऐसा था। और ये 1831 से 1836 तक घूमे और काफ़ी जगह पे गए, है ना, काफ़ी जगह पे गए, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हम देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किपेलेगो आइलैंड, वो हम डिस्कस करेंगे। और कई लोगों से ये इन्फ्लुएंस रहे। फॉर एग्जाम्पल माल्थस के पॉपुलेशन का थ्योरी था, पॉपुलेशन के ऐसे से ये इम्प्रेस हुए। चार्ल्स लेल के जियोलॉजी की कुछ स्टडी थी, उससे ये इम्प्रेस हुए। देन ये इम्पॉर्टेंट है, NCERT ने भी दिया। वॉलेस जो कि मैले आर्किपेलेगो पे काम कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे वहाँ काम करने के बाद इन्होंने अपना कुछ सजेशन एंड कुछ एक्सट्रैक्ट डार्विन को भेजा था। इसके बेसिस पे डार्विन ने बुक लिखी थी, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड दिस बुक वॉज रिटन इन 1859, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं डिटेल में। सो दिस वॉज द चार्ट विच वॉज सेंड बाई वॉलेस टू डार्विन। ध्यान से समझो इस चार्ट को। वॉलेस साहब ने क्या बोला कि ऑल द स्पीसीज हैव दिस बेसिक कैरेक्टर, हैव बेसिक कैरेक्टर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, है ना, ओवर प्रोडक्शन। बट स्टिल हम देखते हैं दैट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन स्पीसीज इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, मान लो आप ह्यूमन की बात करो, ऑफकोर्स हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट इट्स नॉट लाइक ओवर नाइट, है ना। यदि आप देखें कि 2000 में हमारा पॉपुलेशन कितना था वर्ल्ड का, 6 बिलियन, आज कितना है, 7 point something, और रिलेटिवली 8, तो 10 सालों में मतलब 10% और 20% की वृद्धि हुई। सो रिलेटिवली इट रिमेन कॉन्स्टेंट। वाई सो? डार्विन इज सेइंग दैट इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं जीने के लिए, इसमें वो मर जा रहे हैं, और इसलिए जो पॉपुलेशन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट है। नाउ डार्विन सेइंग दैट देर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वाई? बिकॉज देर इज वेरिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, देर इज सम इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, सम इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन एंड सम इन्वायरमेंटल कॉज। सो डार्विन इज सेइंग दैट इंट्रा स्पेसिफिक मतलब बिटवीन द सेम स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल काऊ काऊ से लड़ाई कर रही है ना, गाय गाय से लड़ रही है, इंटर स्पेसिफिक गाय भैंस से लड़ रही है ना, गाय लायन से लड़ाई कर रही है, दिस इज इंटर स्पेसिफिक। सो विद इन द स्पीसीज यदि हम बात करें तो इंट्रा स्पेसिफिक, यदि हम बिटवीन टू स्पीसीज की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक। विच वन इज मोस्ट एक्यूट? इंट्रा इज मोस्ट एक्यूट, क्यों? क्योंकि सेम चीज़ के लिए लड़ाई हो रही होगी। विच वन इज द कॉज फॉर ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज? ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का कॉज क्या है? तो इंटर स्पीसीज, ठीक है। एंड देन व्हाट वाज द कंक्लूजन? दैट ओनली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज पॉसिबल, उसमें से सबसे फिट जो होगा वो सर्वाइव करेगा। एक चीज़ अब ध्यान से सुनना, बार बार क्वेश्चन आता है, डार्विन ने जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वर्ड यूज किया है उनका क्या मतलब है? डार्विन इज रेफरिंग टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नाउ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएशंस रहे, उस कारण से धीरे धीरे नए स्पीसीज का ओरिजिन हो गया। सो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ डार्विन ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेस चार्ट, और यू कैन से दिस वॉज द वॉलेस चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच डार्विन हैज रिटन द बुक
ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन क्या है, ध्यान से सुनो। हम सबको पता है कि मेंडल साहब का रीडिस्कवरी कब हुआ, 1900 के आसपास, और ये बुक कब लिखी गई, 1859 में। सो डार्विन हैड नो आइडिया अबाउट द जीन, हैड नो आइडिया अबाउट द क्रोमोजोम, सो उन्होंने इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डार्विन साहब ने ये तो बता दिया कि सबसे फिट जो होगा वो सर्वाइव करेगा, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उन्होंने बोला, बट अराइवल ऑफ फिटेस्ट को नहीं बता पाए। ठीक है, आपने बोला कि सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, बट जो सबसे फिट की आप बात करें वो आया कैसे, कहाँ से आया, पता नहीं। सो दिस वॉज फ्यू थिंग्स दैट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड, नॉलेज ऑफ जेनेटिक वॉज लैकिंग, एंड देन ये सेक्सुअल सिलेक्शन वाली बात इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस। ठीक है, ये दो बातें आप मेनली याद रखो। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों हैं, कुछ ओवर जो नॉट यूज ऑर्गन है वो ओवर डेवलप क्यों है, फॉर एग्जांपल टस की बात की थी हमने। तो सोमेटिक जर्मिनल की तो बात ही वो नहीं समझा पाए क्योंकि उनको जेनेटिक्स की का नॉलेज नहीं था उस समय तक, कभी डेवलप नहीं हो पाई थी चीज़ें, है ना। सो दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन डार्विनिज्म एंड लेमार्कनिज्म। मुझे लगता है आप आराम से कर पाएंगे। लेमार्क ने क्या बोला था, ये स्ट्रेच कर कर के लंबा कर ला और फिर अपने बच्चों को ये ट्रांसफ़र कर रहा है। डार्विन क्या बोलते हैं कि इनमें से जो सबसे फिट होगा, जिसकी गर्दन सबसे बड़ी होगी, नेचर उसे सेलेक्ट करेगा और वही धीरे धीरे जो नेक्स्ट इनका जनरेशन आएगा उनका सबका गर्दन बड़ा हो जाएगा क्योंकि मदर का गर्दन बड़ा था। नाउ व्हाट इज़ दिस नेचुरल सिलेक्शन दैट वी हैव नॉट डन इन डिटेल, ये हम ना मॉडर्न थ्योरी में करेंगे। आप तो ये याद रखो कि नेचुरल सिलेक्शन इज लेफ्ट विद डार्विन, कि क्या है नेचुरल सिलेक्शन ना वो हम देखेंगे थोड़ा देर। यदि हम बोलें तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब 100 आदमी है, 100 में से सबसे फिट कौन है, सबसे अच्छा कौन है, नेचर ने उसको सेलेक्ट किया और बाकी लोग मर गए और वही सर्वाइव करता रहा। चलिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग, म्यूटेशनल थ्योरी। याद आ रहा है तीन थ्योरी की हमने बात की थी मॉडर्न से पहले। सो लेमार्क का हमने बात कर लिया, डार्विन का कर लिया, अब हम म्यूटेशन पे आ रहे हैं। ये किसने दिया था, ये दिया था हमें ह्यूगो डी वेरिस ने। ह्यूगो डी वेरिस ने एक फ्लावर लिया था, कौन सा, इवनिंग प्राइमोज, इनोथेरा लेमार्कियाना। सो उन्होंने इवनिंग प्राइमोज पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या देखा कि 7 जनरेशन तक यदि आपने लगातार उगाया तो जो नई वेराइटी आ गई या नई स्पीसीज आ गई सडनली मतलब 7 जनरेशन में। ह्यूगो डी वेरिस साहब ने बोला कि दिस इज द चेंजेस विच सडनली वी आर लुकिंग एट, और वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग व्हाट ही सेड इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन। सो म्यूटेशनल थ्योरी सेज दैट म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन। याद आ रहा है आपको, लेमार्क साहब ने क्या बोला था, व्हाट इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन, हम लिख लेंगे। लेमार्क साहब ने बोला था यूज एंड डिसयूज थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी एंड वन मोर, एंड दैट वाज इंटरनल वाइटल फोर्स। डार्विन साहब ने क्या बोला, डार्विन साहब ने वो चार्ट वालेस का दिया और बोला नेचुरल सिलेक्शन, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी बातें। और अब ह्यूगो डी वेरिस साहब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया म्यूटेशन इज द कॉज, बट दिस वॉज रिजेक्टेड, वाई, बिकॉज इट वॉज फाउंड दैट द प्लांट विच वॉज टेकन, इट वॉज नॉट नॉर्मल प्लांट, ये जो आपने लिया था ये नॉर्मल नहीं था, इट हैज़ क्रोमोजोमल एबरेजन, सो इट कैनॉट बी टेकन into consideration because the thing was not normal, and moreover it was said that mutation, ek to kafi kam hote hain number mein, mutation is so less, dusra mutation is generally harmful in nature, jabki you know the evolution is beneficial, theek hai। so this was few of the negative point of Ugo de Veris due to which it was rejected, so we can see this in further detail। dekho yadi hum bole, so ये बोला था इन्होंने कि रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है, ठीक है, सॉल्टेशन मतलब सडनली ऐसे रैंडमली होना। क्रिटिसिज्म कि म्यूटेशन इज नॉर्मली रिसेसिव हार्मफुल, सो जनरली अपीयर नहीं होता जबकि इवोल्यूशन अपीयर होता है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी शुरू करने से पहले आई विल टेल यू टू सी दिस थ्री टेबल, एक साइड आप लेमार्क लिखो, एक साइड आप डार्विन लिखो,
और एक साइड आप ह्यूगो डिवेरिस लिखो या म्यूटेशनल थ्योरी लिखो। यदि कंपेयर करना हो तो आप कर पाएंगे क्या? हाँ, इनकी वो फोर पॉइंट्स याद आ रहा है कौन कौन से? इंटरनल वाइटल फोर्स, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, देन और क्या था बोलो, डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये चार बातें थी। डार्विन साहब ने क्या बोला था? डार्विन साहब ने वो चार्ट दिया था, इन्होंने बोला था कि भैया नेचुरल सिलेक्शन होता है, इन्होंने बोला था कि ग्रेजुअल होता है, इन्होंने बोला था डायरेक्शनल होता है, है ना, दिस इज़ ग्रेजुअल, आई शुड राइट इट अगेन, ग्रेजुअल डायरेक्शनल होता है। हाँ, बट स्टैटोस्टिक ये एनसीईआरटी की वर्ड है, स्टैटोस्टिक मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं है, डायरेक्शनल तो है, बट मान लो इन्वायरमेंट कैसा होने वाला है आज से 200 साल बाद, वैसा होगा आपका नेचुरल सिलेक्शन, बट इन्वायरमेंट कैसे होने वाला है दैट कैनॉट बी, स्टैटोस्टिक मतलब थोड़ा सा डायलेमा हुआ है, ठीक है, स्टैटोस्टिक, आई शुड राइट इट अगेन, स्टैटोस्टिक, ठीक है, ये एनसीईआरटी बोलती है कि ये डार्विन ने बोला। म्यूटेशन क्या बोलता है? रैंडम है, डायरेक्शनल लेस है, सॉल्टेटरी है ना, सॉल्टेटरी मतलब क्या, जैसे कैंगारू फुदक फुदक के चलते हैं, सो इन्होंने क्या बोला, ग्रेजुअल है ये, सॉल्टेटरी ये, डायरेक्शनल ये, डायरेक्शनल लेस, ठीक है ये। सो दिस वॉज द थ्री मेन थ्योरी विच वी हैव डिस्कस, लेमार्क का, देन डार्विन के बारे में पढ़ा हमने, देन हमने ह्यूगो डिवेरिस वाले के बारे में पढ़ा, अब हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पे आते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी विल डू इन डिफरेंट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, प्लीज़ गो टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड, लाइक इट, कमेंट इट,